हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्र कृष्ण भावना भविष्य इस्कॉन के ओर से प्रस्तापित 18 दिन के श्रीमद् भगवद गीता सत्र के आज के छठे सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, और जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आइए अब भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कि जब हम गलती करते हैं तो कहते हैं कि गलती करना प्रकृति है, और गलती को स्वीकार करना संस्कृति है, और गलती को सुधारना प्रगति है। तो अर्जुन अपने गलती को स्वीकार कर रहा है क्योंकि वो संस्कृतिवान है और आगे जाके अपने गलती को सुधार जरूर लाएगा। भगवान जो है अर्जुन को हीरो बनाना चाहते हैं और उन्हें जो है भगवद गीता का, भक्ति योग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का ये स्वभाव है, भगवान के भक्त भगवान का यश फैलाते हैं और भगवान जो है भगवान के भक्तों का यश फैलाते हैं। तो अर्जुन को ब्रांड एम्बेसडर बनाने में भगवान लगे हुए हैं, और इसी प्रकार से हम भी अगर भक्त बनेंगे तो भगवान जो है हमें भी जो है हमारा भी जो है यश बढ़ाता है। देखिए बचपन में मैं ये सोचता रहता था कि फिल्मों में हीरो लोग ही गाना गाते हैं माइक में ऐसे 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 ऐसे, या सड़क में नाचते गाते रहते हैं। और लगभग 20 साल तक मैं यही सोच रहा था केवल हीरो लोग ही गा सकते हैं माइक में, और जैसे मैं भक्त बन गया तो रोज माइक में हम गाते हैं, और नगर संकीर्तन जब होता है सड़कों में हम खूब नाचते हैं और झूमते हैं। तो भगवान ने ऐसे ऐसे हम जैसे नगण्य तुच्छ जीव को भी भक्ति में अग्रसर होने के लिए प्रयास जो कर रहे हैं उन्हें देखकर जो है हीरो के तुल्य बना दिया। तो अर्जुन को जो है क्यों नहीं वो ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा 5 साल का अपने माँ के पास गए और कहे, माँ आई लव यू। माँ ने भी कहा, बेटा आई लव यू टू। फिर वो क्या 16 साल का हो गया और वो कहने लगा, माँ आई लव यू, बताओ कितना पैसा चाहिए, देती हूँ। फिर वो माँ बच्चा जो है 25 साल का हो गया तो बोला, माँ आई लव यू। तो माँ ने कहा, बता कौन है, कहाँ रहती है, हम लोग जाएंगे संबंध बना के आएंगे, बताओ जल्दी। तो माँ है सब कुछ जानती है। तो वो 40 साल का हो गया, माँ आई लव यू, कहा ना तुमसे, उसे शादी मत कर, शादी मत कर, शादी मत कर, जो भी है अभी भुगतो आप। फिर 60 साल के हो जाते वो लड़का और कहते, माँ आई लव यू, जा यहां से, मैं किसी भी पेपर में साइन नहीं करूंगी, जा कुछ भी करो मैं साइन नहीं करूंगी, निकल यहां से। तो माँ है, माँ जो है बच्चे के हर इच्छा को जानती है। ये भौतिक जगत की माँ अगर अपने बच्चे के इच्छाओं को जानते हैं तो भगवान कृष्ण जो है हमारे पिता भी है, परम पिता भी है, माता भी है, तो जरूर अर्जुन के सारे इच्छाएं जानते। 5वें अध्याय के शुरू में हमने देखा कि अर्जुन ने सुना कि संशय आत्मा विनिशति, तो तुरंत अपना संशय को प्रकट कर दिया कि किस प्रकार से ज्ञान के मार्ग से हम संन्यास लेकर जो है शांति को प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने उसे काट दिया
और कह दिया कि आपको जो है योगी बनना होगा। अब जो है अर्जुन के मन में कोई संशय नहीं है, अर्जुन आत्मा है, उनकी बुद्धि सीमित है, पर भगवान जो है विभु है और वो परमात्मा के रूप में सब कुछ जानता है। तो अर्जुन के मन में एक छोटा सा इच्छा रह गया, पर अर्जुन खुद नहीं जानता कि वो इच्छा है, वो उभरने वाला है, पर भगवान ही खुद बोल देते आप जो है ध्यान के मार्ग से भी संन्यास अगर लेने का इच्छा करोगे, वो भी इच्छा जो है आपका वो मैं अभी काट के रख देता हूँ। चंचले मन कृष्ण बोलकर अर्जुन जो बोलता है ये भी जंगल में जाने का जो इच्छा है मैं नहीं करूंगा। और योगी बनने का इच्छा जो अर्जुन के मन में स्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण जो है अर्जुन के मन में जंगल में जाना संन्यास बनने का जो इच्छा है उसे काटेंगे। और अब जो है इस सत्र को और अच्छी तरह से समझने के लिए और इस सत्र को जो है आत्मसंग्रह करने के लिए हम जो है इस सत्र को 6 भाग में विभाजित करते हैं। पहले भाग में हम देखेंगे किस प्रकार से जो है एक अष्टांग योगी प्रगति करता है। दूसरा भाग में हम देखेंगे अष्टांग योग के अलग अलग स्तर। और तीसरी जो भाग है उसमें देखेंगे मन को किस प्रकार से सीमित करना है, हाँ अपने बस में करना है। और अर्जुन यहाँ पर जैसे सुन लेता है कि मन को किस प्रकार से बस में करना है, वहीं पर अर्जुन कह देता है कि मैं अपने मन को जो है बस में नहीं कर सकता हूँ, चंचल ही मन कृष्ण। और वहीं पे कृष्ण बोलते बस अभी गीता बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्जुन के मन से ज्ञान मार्ग से संन्यास बनने का और ध्यान मार्ग से संन्यास मांगने का जो जाने का जो इच्छा है वो खत्म हो गया है। अब जो है वो योगी बनने के लिए निष्काम योगी बनने के लिए तैयार हो गया है। और निष्काम कर्म योगी अगर वो असफल भी हो जाता है उसका क्या लाभ है वो भी बता लेते हैं। तब अर्जुन तो पूरा तैयार हो जाता है भक्ति योगी निष्काम कर्म योगी बनने के लिए। और इस प्रकार से भगवद गीता चाहे तो भगवान यहीं पे समाप्त कर सकते हैं, पर भगवान आगे 7वें अध्याय से भक्ति योग का वर्णन करेंगे। क्यों करेंगे वो कल हम देखेंगे। तो आइए अब हम जो है पहले भाग का आनंद लेंगे और ये 6 भाग देखकर ही हम निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करेंगे। तो भाग 1 में भगवान जो है अर्जुन के अंदर संन्यास लेने का अष्टांग योग मार्ग से संन्यास लेने का जो इच्छा है उसे काटेंगे। और वो कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं भाग नंबर 1 में भगवान। भाग नंबर 1 जो है पहले भगवान बताते हैं ये योग का मार्ग और संन्यास के मार्ग दोनों सम है। और फिर कहते हैं अष्टांग योग के 2 स्तर हैं। फिर कहते हैं मन जो है हमारा मित्र है, या मन जब गुरु का आज्ञा पालन नहीं करता है तो दुश्मन है। और इस प्रकार से योग आरूढ़ के जो लक्षण का भी वर्णन करते हैं। तो आइए हम चलते हैं किस प्रकार से भगवान कहते हैं कि योग और संन्यास जो है एक ही है। बहुत ही रोचक है भगवान जो है अर्जुन के मन के अंदर जो भी गलत इच्छाएं उसे जो है देख देख कर अच्छी तरह से काट रहे हैं। संन्यास ध्यान योग के बारे में अर्जुन प्रश्न नहीं करते हैं, पर भगवान परमात्मा के रूप में जानते हैं और उसके भी उठाकर जो है अभी काटने लगे। श्री भगवान वाच, जब भी श्री भगवान वाच करके वर्णन आता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान कोई छोटी मोटी व्यक्ति नहीं जो कह रहे हैं। जैसे घर में इस संसार में लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, चिड़िया चू चू करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, कुत्ता बौं बौं करता है हम ध्यान नहीं देते हैं, पर पिताजी कुछ बोलते हैं तो ध्यान देते हैं। अच्छा इसी प्रकार से जब नगर के सेवक कुछ कहता है तो हम और ध्यान देते हैं, मंत्री कुछ कहता है तो और ध्यान से, और प्रधानमंत्री कहते तो और ध्यान। ये प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है भगवान, तो कितना ध्यान से हमें सुनना चाहिए। इसलिए श्री भगवान वाच,
अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स संन्यासी च योगी च निरअग्निर्ना च क्रिया। हे अर्जुन, वो व्यक्ति जो अपने कर्म फल से अनासक्त रहता है, कार्य करता है, कर्म के फल को भगवान को अर्पण कर लेता है, वो वास्तव में जो है सच्चा योगी भी है और सन्यासी है। और ये नहीं कि सन्यासी वो ने जो आग नहीं लगाता है या कोई कार्य नहीं करता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, वो आग लगाए, कुकिंग किए, आग लगाए, यज्ञ भी किए और बहुत सारे कार्य किए, रथ यात्रा किए, यात्रा किए, नगर संकीर्तन के प्रवचन दिए। तो कहते हैं कि सन्यास वो है जो अपने कर्म के फल, प्रभुपाद जी ने अपने सारा कर्म का फल भगवान के चरण कर्णों में अर्पण कर दिया। इसलिए वो व्यक्ति जो जो अनाश्रित है अपने कर्म फल से, वो योगी भी है, सन्यासी भी है। अरे 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 अरे, हे वसुदेव कृष्ण, मैंने तो सुना सन्यास वो है जो अपने सारे कार्यों को त्याग देता है और ज्ञान में स्थित होता है, कुछ काम नहीं करता, ज्ञान जंगल में जाकर बैठ जाता है, वो सन्यास है। और योग का अर्थ मैंने समझा कि धीरे 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 मन को जो है एकाग्र करके, जो है इंद्रिय वस्तु से हटाकर एक टक होकर एक बिंदु में ध्यान लगाना, ये योगी है। पर आप कह रहे हो योगी और सन्यासी एक ही है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं कि इस प्रकार से, यम सन्यासमिति प्राहु योगं तं विदि पांडवा नाहि असं यस्त संकल्प योगी भवत कश्चन। सन्यास का अर्थ होता है कार्य को त्यागना, नहीं कार्य के फल को त्यागना। और योग का अर्थ होता है मन को जो है इंद्रिय वस्तुओं से दूर करना। इसीलिए सन्यास और योग एक ही होता है। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे अष्टांग योग के बारे में बताओ। क्या एक अष्टांग योगी जो है उसे भी चाहिए कि निष्काम कर्म के मार्ग में लगे रहे और आगे जाकर वो जो है अपने मन को पवित्र करके सन्यास ले? तो भगवान मुस्कुराते रहते हैं और कहते हैं कि देखिए हे कृष्ण, योग के जो है दो स्तर होते हैं, अष्टांग योग के दो स्तर होते हैं। और पहला स्तर जो नए नए अष्टांग योग में लगते हैं उसे कहते हैं आरु रुक्षह और दूसरा आरूढ़। इसका वर्णन भगवान करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, आरु चोर्मुनेर योगम कर्म कर्म न उच्यते योग आरूढ़स्य तस्य समाकारणम् उच्यते। जो नया नया अष्टांग योग में आता है उसे जो है निष्काम कर्म का मार्ग को उपयोग करके धीरे धीरे मन को पवित्र करना, जो 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 मन को पवित्र कर लेता वो अपने सारे कर्म को खत्म करके अब जो है ध्यान लगाने में लग जाना चाहिए। तो इस प्रकार से करें, यदि ही न इंद्रिय अर्थेषु ना कर्म सानुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारु तदुच्यते। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है अब धीरे धीरे चेतना को उन्नत करके भौतिक जो जो
वस्तु है, इंद्रिय वस्तु के वस्तु से अपने आसक्ति को हटाकर वो जो है अब धीरे धीरे मन को स्थिर करने लग जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान, समाधि में धीरे 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 ये जो है आठ अंग, अष्ट अंग जो है योग में लग जाता है। पर ध्यान में रखना अर्जुन, धीरे 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 जब योग में आरूढ़ होता है तो मन को अपने बस में रखना चाहिए। अर्जुन, वो मन जो गुरु की आज्ञा को पालन करता है, धर्म के मार्ग में चलता है, वो मित्र है। और वो मन जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है या धर्म के मार्ग में नहीं चलता है, वो हमारा दुश्मन है। जान लो इस बात को। तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 5 में कहता है, उदारेत आत्मना आत्मना नात्मनाम अवसदयत, आत्म एव हि आत्मनो बंधुर आत्मा एव रूपो आत्मना। जो व्यक्ति अष्टांग योग के मार्ग में चलते हैं और उसमें सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अपने मन को अपने बस में रखो, अपने मन को जो है अपना मित्र बनाए ना, और इस मन से को पवित्र करके अपने आप का जो चेतना है उसे उन्नत करे, ना कि मन के द्वारा जो है पथभ्रष्ट हो जाए। ये मन जो है बद्ध जीव का मित्र तब है जब वो गुरु का आज्ञा पालन करेगा, और शत्रु तब है जब वो गुरु के आज्ञा के विरुद्ध चलता है। अर्जुन, बंधुर आत्मा आत्मना तस्य इना आत्मा आत्मे व आत्मना जीत अनात्मनास्तु शत्रु वर्तित आत्म एव शत्रुवा। इस प्रकार से मन का बहुत बड़ा जो है योगदान है इस जो है अष्ट अंग योग में, और इस प्रकार से वो अपना जो है मन के ऊपर बस करने में लग जाता है। और अब जो है कहते हैं, जो मन को अपने बस में कर लेता है वो जीतात्मा प्रसन्तस्य परम आत्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मनापमानयो। इस प्रकार से वो भक्त, वो सन्यासी, अष्टांग योगी उनके लक्षणों का वर्णन करता है। जब वो अपने मन को जीत लेता है तो जो है परमात्मा को वो देख लेता है, और वो जो है परमात्मा जिस प्रकार का सुख, आनंद और शांति का अनुभव कर रहा है, उस प्रकार का सुख शांति को अनुभव करने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति ना तो खुश से खुशी हो जाता है, सुख में सुखी होता, ना तो दुख में दुखी होता है, ना तो गर्मी से परेशान होता है, ना तो ठंड से, ना यश से अपयश से वो प्रभावित होता है। वो हर समय सम रहता है। कोई अगर उनका गुणगान करे तो कहते हैं कि ये गुणगान जो है भगवान के कृपा से मुझे मिल रहा है, वास्तव में इसका अधिकारी भगवान है। अगर कोई उनका अपयश कर रहा है तो कहते हैं कि मैं नीच हूँ, पतित हूँ, निकृष्ट हूँ, मैं तो इससे भी ज्यादा मुझे जो है अपयश मिलना चाहिए, पर ये तो कुछ नहीं, भगवान ने बहुत कम कर दिया। इस प्रकार से विचलित नहीं होता है, भगवान को धन्यवाद अदा करके वे आगे बढ़ता रहता है, और जो है वे हमेशा प्रसन्न रहता है। इस प्रकार से वो जो है ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुतस्तो विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समालोस
वस्त्र अस्म कंचन। इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है और उसे योगी कहलाते हैं। वो पूरी तरह से ज्ञान में रहता है, संतुष्ट रहता है और ऐसा व्यक्ति जो है अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है और उनके लिए पत्थर और मोती वो सम मान लगता है और पत्थर को देख के वो कुछ है ऐसा नहीं कहता है और मोती को देख के अरे वाह वो जो है ये नहीं होता है। कबीर जी का वर्णन आता है, वो अपने शिष्य के साथ जंगल में जो है आश्रम में रहता था। एक दिन वो जंगल में भ्रमण कर रहा था तो देखा एक धन का मोतियों का सोने का जो है एक बहुत बड़ा पोटला जो है पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। कबीर जी ने बोला भाग यहां से भाग, ये चुड़ैल है चुड़ैल है। शिष्य ने बोला ये कैसे चुड़ैल है, ये तो सोना चांदी मोती यही तो चुड़ैल है, चुड़ैल जो है खून चूस लेती है पर ये तो कैसे खून चूसेगा। बोला शिष्य बोले मेरे साथ आओ, दूर पेड़ में बैठते हैं। दोनों बैठे थे, दो मित्र जंगल में आ रहे थे बंदूक लेकर, तो जैसे सोना को देखा दोनों वहीं पे बैठ गए। अरे वाह इतने सारा सोना चांदी, दोनों खुश हो गए। अब दोनों मित्र ने कहा ये सोना चांदी हम लेकर जाएंगे। एक ने कहा दोस्त मेरे आगे जाना है पर भूख लग रहा है, गांव जाओ थोड़ा मिठाई लेके आओ और थोड़ा और नाश्ता लेकर आओ और इसके बाद खा के फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर अब एक दोस्त गया गांव, बोला कि मैं जाता हूं, मैं जल्दी जाता हूं यार मेरे, आप यहां से हिलना नहीं। बोला मैं बंदूक लेके बैठा हूं ना, हिलूंगा नहीं। ठीक है मेरा बंदूक भी रखो। दौड़े दौड़े गया और जब जैसे ही जलेबी लेकर आए और फाफड़ा लेकर आए तो सोचा इसको जलेबी फाफड़ा तो दूंगा पर इसमें जहर डाल के दूंगा, जहर डाल दिया। और जब ये जो मित्र फाफड़ा और जलेबी लेकर आया बोला कि ये तो इतना चांदी इतना सोना मेरे पास होगा तो बस मैं सेठ हो जाऊंगा, सात पीढ़ी मेरा तर जाएगा, पर इसको बांटूंगा मन नहीं करता बांटने का। वो बोला आ मेरे दोस्त आ, और बंदूक को निशानी बना के उसे गोली से मार दिया, फाट फाट फाट, और फाफड़ा और जलेबी जो था नीचे जा। तो बोला चलो अब मैं उठाता हूं, पर मैं कमजोर हो गया कुछ खाना है। फाफड़ा जलेबी खाया, वो भी नीचे पड़ गया। और कबीर ने बोला देखा ये छुड़ेल है छुड़ेल। तो इस प्रकार से जो है संत महात्मा जो कबीर के स्तर पे होते हैं वो सोना चांदी इत्यादि को रेत की तरह तुलना करते हैं, उसे प्रभावित नहीं होते। उनके जगह पे और कोई होता जैसे दो यात्री किस प्रकार से उनका मन ही भ्रष्ट हो गया। तो आइए आगे चलते हैं। इस प्रकार से जो है अब इनका सोहिन मित्र आरी उदासीनो मध्यस्त देशया बंधुसु साधुसु अपि चा पापेषु समबुद्धि विशिष्यति। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है आगे बढ़ जाता है, हाँ, और उनका चेतना उन्नत हो जाता है, वो जीवात्माओं में अंतर नहीं देखता है। जब वो मध्य स्तर में रहते हैं पदार्थों में अंतर नहीं देखता, अब जीवात्माओं में अंतर नहीं देखता है, वो साधु संत दोस्त मित्र सबको जैसा, अगर कोई उनसे नफरत कर रहा है उससे भी हरे कृष्णा, जो उनसे बहुत सेवा कर रहे प्रेम का उनको भी हरे कृष्णा, और इस प्रकार से कोई साधु हो उनको भी हरे कृष्णा, जो पापी है उनको भी हरे कृष्णा। वो किसी से ना वैर करता है ना किसी से ज्यादा प्रेम करता है, इस प्रकार से उनका मन जो है सम हो जाता है। हे कृष्ण, अर्जुन कहने लगे हे कृष्ण ये अष्टांग योग तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये अष्टांग योग की विधि को कैसे अभ्यास करें।
कृष्ण बोले अरे 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 गड़बड़ हो गया गड़बड़, ये तो अष्टांग योग में अपना मन को लगा रहा है। पर कृष्ण बोलते ठीक है मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। तो आइए अष्टांग योग का वर्णन कृष्ण के द्वारा हम श्रवण करेंगे और अर्जुन जो है किस प्रकार से उसे ग्रहण करता है वो भी देखते हैं। तो हम जो है अब आगे बढ़ते हैं भाग दो में, किस प्रकार से जो है अष्टांग योग के अलग अलग स्तर अर्जुन पूछ रहे हैं और अर्जुन का मन अष्टांग योग में लग रहा है और भगवान जो है अभी देखने अरे अरे अर्जुन का मन अष्टांग योग में लग रहा है। तो ये अष्टांग योग को बहुत ही सुंदर रूप से भगवान प्रस्तुत करते हैं। श्लोक नंबर 10 से 17 में वो बताते हैं कि क्या क्या अभ्यास करना चाहिए और क्या क्या आवश्यकता है, इस अष्टांग योग के लक्ष्य क्या है। और 18 से 23 में बड़े सुंदर में बताते हैं कि अष्टांग योग को जो की सिद्धि को जो प्राप्त करता है तो वो क्या क्या अनुभव करता है, साक्षात्कार करता है। और जब पूरा सिद्धि को प्राप्त कर लेता है परमात्मा का साक्षात्कार किस प्रकार से करते हैं उसका सुंदर वर्णन जो है अब भगवान करेंगे। और अर्जुन को भी देखते रहते हैं, अर्जुन का मन अष्टांग योग में लग रहा है ये तो गड़बड़ है, फिर भी भगवान जानते हैं कि कैसे अर्जुन को जो है निष्काम कर्म योगी में बना दूं। तो कहते हैं कि अभी योगी युञ्जित सततम् आत्मानां रहसि स्थिता एकाकीयता चितात्मा निरासीर अपरिग्रह। वो योगी जो है परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि वो जो है एकांत स्थान में जाए, एकाकी यथ चित्तात्मा, वो ऐसे स्थान पे जाए जहां पे कोई नहीं है, अर्थात शहर से दूर जंगल में, जंगलों के बीच बीच ऐसे स्थान पे जाना चाहिए और बड़े ध्यान से अपने मन को जो है वश में करने का प्रयास करे और इस प्रकार से हर प्रकार के इच्छा से मुक्त होकर मैं मुझे ये चाहिए मैं ये हूं उस प्रकार के भाव को त्याग कर जंगल में वो बैठे और वहां पर जाकर जो है ऐसा स्थान ढूंढे जो कि बहुत पवित्र हो। सुचा देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चिरतम नाति नीचम चलया जिनहास सुतरम तत्र एकाग्रमा मनः कृत्वा यता चितेन्द्रिया क्रिया उपावीस व्यासनायुं याद योगम आत्मा विशुद्धये। इस प्रकार से वो एक सुंदर सा स्थान ढूंढे, उसके ऊपर घास कुशाघास लगाए और कुशाघास के ऊपर एक पतला सा कपड़ा रखे और कपड़े के ऊपर हिरण का जो है चमड़ी रखे और उसके ऊपर फिर से एक जो है सैफरन रंग का या गेरवे रंग का वस्त्र धारण करें और उसमें बैठे। कुशाघास रखने से या कुशाघास में बैठने से पवित्रता छा जाती है, कुछ अशुद्धता स्पर्श नहीं करेगी। और हिरण का चमड़ी जब धारण करते हैं, हिरण के चमड़ी में वर्णन आता है कि ऐसा एक गुण है वो कीड़े मकोड़ों को सांपों को दूर 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 रखते हैं। जंगल में है कीड़े मकोड़े जरूर काटेंगे, अगर हिरण का कपड़ा नहीं रखा ध्यान लगाने बैठा तो मच्छर काटेंगे, ध्यान जो है हट जाएगा। फिर उसके ऊपर हिरण के चमड़ी से जो है हिरण के चमड़ी से जो है चुभने लगेगा तो कपड़े रखे और इस प्रकार से बैठे। तो इस प्रकार से वो जो है
अच्छा स्थान ढूंढे, ना तो ऊपर होना चाहिए ना तो नीचे, अगर ऊपर होगा हवा जो है लगता रहेगा और उसका मन विचलित होता रहेगा, नीचे होगा बारिश में पानी जो है एकदम से आ जाएगा और उसे स्थान बदलना होगा। और उस प्रकार अच्छे स्थान को, मध्य स्थान को पकड़े और उसमें इस प्रकार से रखे। और इस प्रकार से योगी को चाहिए कि बड़े पीठ के रीन के हड्डी को सीधा करे और कड़क होकर जो है योग में लगे और अपने मन को, हृदय को पवित्र करने का प्रयास करे, अपने इंद्रियों को एकटक होकर बस में करने का प्रयास करे। इस प्रकार से जो है भगवान जो है बड़े सुंदर रूप से अर्जुन को सारे स्तर बता रहे हैं और अर्जुन को देख भी रहे हैं। अर्जुन का मन लगे जा रहे हैं बहुत अच्छा अभी दिखाता हूँ अर्जुन। सामं काया शिरो ग्रीवं धारायन अचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नैशिकाग्रामस्वं दिशा च नवलोकयन् प्रसन्तात्मा विगत वीर ब्रह्मचार्य वरे स्थित मन संज्ञायामक्षिप्तो युक्ता आसित मत परा। इस प्रकार से जो है वो अपने पीठ रीन की हड्डी को सीधा करे और गर्दन को भी सीधा रखे, सर को भी सीधा रखे और ये सब जो है एक ही जो है लाइन पे आ जाए और इस प्रकार से दोनों आंखों से नसिका के जो अग्र भाग है उस पे ध्यान लगाए। अब कृष्ण देखते हैं अर्जुन थोड़ा सा जो है निरुत्साहित होता है, फिर भगवान बोलते बस अभी वो लाइन में आ रहा है, अच्छी बात है, अष्टांग योग का भूत अभी निकाल देता हूं उसके अंदर। तो इस प्रकार से योगी जो है पूरी तरह से जो है उसका उनका जो ध्यान में लग जाता है तो धीरे धीरे जो है मन वश में आ जाता है, वो भय से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मचार्य के स्तर को पवित्रता के साथ पालन करता है और वो जो है भगवान में परमात्मा में अपने मन को लगाता है और इस प्रकार से जो है वो अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से लंबे समय तक शरीर और मन को जो है कष्ट देकर वो जो सन्यासी है वो भगवान का धाम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भगवान जो है विधि को बता रहे हैं। यं युञ्जन्नेवं सदात्मना योगी नित्यमनसा शान्तिं निर्वाण परमं मत्स्थानमधिगच्छति। इस प्रकार से वे मेरे जो है धाम को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण और कुछ नियम इत्यादि है तो बता दो। तो देखिए अष्टांग योग में वो व्यक्ति को जंगल जाना होता है, स्थान ढूंढना पड़ता है, पीठ को सीधा करना पड़ता है, ये सब करना होता है, फिर बाद में मन को एकाग्र करके फिर वो भगवान का दर्शन करते हैं। पर वही चीज श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी पाद कहते हैं, श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अभद्राणी विदु नौती सुहृत सताम नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यं भागवत से भया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति उच्यते। तो तदा रजस्तम भाव कामलोभदा चेते तना विदं सितं सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवतत्व विज्ञान मुक्त संग सजायते विद्यते हृदय ग्रंथि चिंतन्ति सर्वसंशया शियन्ति च सकर्माणि दृष्टेव आत्मनि ईश्वरे। वही चीज जो है शुद्ध भक्त केवल भक्ति के मार्ग में जो है या निष्काम कर्म के मार्ग में एक स्त्री भी एक शूद्र भी
और एक वैश्य भी या ब्राह्मण भी केवल कथा सुनते 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 वो शब्द जो है उनके कान में जाएगा, नष्ट प्राय सुभद्र से, उनके मन के जितने भी कलमश है उसे दूर कर देगा। फिर तदा रजस तम भाव, उनके अंदर जो रजस और तमस है उसे दूर कर देता है और मन शुद्ध सत्व में आ जाता है, एवं प्रसन्न मन और प्रसन्न रह जाता है। और आगे जब भगवान का कथा सुनते ही रहता है, विद्यते हृदय ग्रंथि, उनके अंदर जितने भी संशय है वो नष्ट हो जाता है और दृष्ट एवं आत्मनि ईश्वर है, वो आत्मा परमात्मा को देखने लग जाता है। कथा सुनते 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 भक्ति योग में हाँ कुंती महारानी ने इस स्तर को प्राप्त किया, देहूति माता ने उस स्तर को प्राप्त किया, द्रौपदी ने उस स्तर को प्राप्त किया, इतना सरल है। उत्तरा ने भी इस स्तर को प्राप्त किया, तो अर्जुन फिर भी सुनता रहता, ठीक है कुंती ये वो सब उनको याद है कुंती महारानी तो ठीक है, फिर भी पूछता और कुछ नियम है क्या। भगवान बोलता अरे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे कुछ कर अर्जुन का मन कहीं अष्टांग योग में लग तो नहीं जाए। तो कृष्ण कहते जो भी है मैं बता देता हूँ अष्टांग योग क्या होता है। तो अष्टांग योग के जो नियम है अभी बता रहे हैं हम। कृष्ण कह रहे हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतसु कर्मसु युक्त सोपबोधस्य योग भवति दुःखः ज्ञाति अस्नात् अस्तु योगस्ति न चैक अंतम अनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृत नैव च अर्जुनम्। इस प्रकार से जो ज्यादा खाता है जो वो व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है, अष्टांग योगी नहीं बन सकता अर्जुन, जो ज्यादा खाता है या कम खाता है, वो ज्यादा सोता है या कम सोता है, तो योगी कौन बनेगा। तो कहते हैं कि इसे ना ज्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, युक्त आहार विहारस युक्त चेतसु कर्मसु युक्त सोपबोधस्य योग भवति दुःखः। तो ये जो है बहुत ही सुंदर बात करते हैं, ना ज्यादा खाओ ना सुंदर खाओ, ना अति खाओ ना अल्प खाओ, युक्त खाओ, ना अति सो ना अति अल्प सो युक्त सो, ना तो ज्यादा जो है आप चेतना प्रयास करो ना कम प्रयास करो, युक्त प्रयास करो, ना आप ज्यादा कर्म करो ना कम कर्म करो, आप जो है युक्त करो। खाने में भी अतिहार नहीं करना चाहिए, अल्पहार भी नहीं करना चाहिए, सोने में भी ज्यादा सोना नहीं चाहिए कम नहीं सोना चाहिए, जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा सोएगा, जो कम खाएगा कमजोर पड़ेगा। तो इस प्रकार से युक्त जो ज्यादा सोएगा, प्रभुपाद जी कहते जो ज्यादा सोएगा 6 घंटा युक्त है, ठीक है हम कलयुग के बद्ध जीव के लिए 6 घंटा ठीक है, अगर 6 घंटे से ज्यादा सोएगा तो लेजी होगा लेजी होगा, और 6 घंटा से कम सोएगा तो वो क्रेजी होगा, चिड़चिड़ापन आएगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते 6 घंटा ठीक है। फिर रिक्रिएशन का अर्थ होता है चेतसा, यानी कि थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए वॉकिंग वगैरह करना, ये सब वो भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो फिर वॉकिंग ही करते रहेंगे। जैसे आजकल रिक्रिएशन के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं, पर वो रिक्रिएशन नहीं, उसको पूरी तरह से मन को जो है विचलित करता है। चल थोड़ा बहुत वॉकिंग करना, कर्म यानी कि प्रयास, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से युक्त होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत सुंदर भगवान जो है एक सुंदर बैलेंस फॉर्मूला दे रहे, 6 घंटा सो, 6 घंटा मेहनत करो और 6 घंटा खाने पीने और शरीर को ये करो और 6 घंटा भगवान के भक्ति में लगाओ। तो बहुत सुंदर बैलेंस है, पर ये अष्टांग योगियों के लिए कह रहे हैं कि इस प्रकार से अष्टांग योगी जो है युक्त आहार विहारस युक्त चेतस कर्मस इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। अब जो है भगवान जो है अष्टांग योग की सिद्धि का वर्णन करेंगे, क्या क्या साक्षात करेगा उसका वर्णन करेंगे 18 से 23 नंबर श्लोक में। बड़ा सुंदर है, हम लोग इसका आनंद लेते हैं। यदा विनियतं चित्तं आत्मानि एव वतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इस प्रकार से योगी जो है बहुत ही अपने आप को जो है डिसिप्लिन रख देता है और बहुत ही सुंदर अनुशासन युक्त जीवन व्यापन करते हुए
वो धीरे धीरे मन को एकाग्र करके हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से दूर होकर आध्यात्मिकता के स्तर पर आ जाता है, भगवान से अपना संपर्क बनाता है, योग परमात्मा का दर्शन करने लग जाता है और उसका मन जो है शांत हो जाता है और मन में जो है इतना भगवान की सेवा में लग जाता है, वो स्थिर रह जाता है परमात्मा का दर्शन करते करते, मानो कि जैसे एक मोमबत्ती में लगा हुआ जो द्वीप है वो कैसे स्थिर रहता है, उस प्रकार से स्थिर रहता है। वही मोमबत्ती का दीप, जलने वाला जो दीप है, वो हवा लगने से थोड़ा बहुत जो है हिलता डुलता है, और वही दीप का जो प्रज्वलित अग्नि है, जब हवा नहीं लगता है तो कैसा स्थिर होता है, उसी प्रकार से मन भी स्थिर हो जाता है, वो योगी का मन बड़ा स्थिर हो जाता है। बहुत सुंदर भगवान कहते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार से दीप जो है, यता दीपो निवतस्तो निंगते सोपमा स्मृत योगिनो यता चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना। उस प्रकार से उसका मन एकदम स्थिर रहता है, भगवान का दर्शन करता है। अब अर्जुन कहते हैं, ठीक है मुझे और बताइए वो किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त करता है इस जो है अष्टांग योग के मार्ग में चलकर, हे कृष्ण। तो इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं और कहते हैं कि यत्रो परमेति चित्तम निरुदम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मनाम पश्यन आत्मनि तुष्यति। इस प्रकार से वो समाधि के स्तर पर आता है और मन उस उनका पवित्र रहता है, वो अपने आप में आनंद का अनुभव करता है। जैसे सनातन गोस्वामी पाद यमुना के तट पर अपने कुटीर लगा के भजन कर रहे थे, बड़े आनंद में रहते हैं। इसी प्रकार से संत अष्टांग योगी भी इतना प्रयास करके अपने मन को शांत रखता है। और पश्यन आत्मानि तुष्, तो इस प्रकार से जो है सुखम अत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय वेति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। इस प्रकार से वो जो है बहुत ही अपार अनंत सुख का अनुभव करता है, वो आध्यात्मिक स्तर के सुखों को अपने पवित्र आध्यात्मिक इंद्रियों से अनुभव करने लग जाता है। और इस प्रकार से सुख का अनुभव करते अब उनको दुनिया की भौतिक जगत की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या कुछ निकृष्ट लगेगी। क्यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेना गुरुन अपि विचल्यते। इस प्रकार से वो अपने आप में परम सत्य में पूरी तरह से स्थिर रहता है और वो जान गया कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का दर्शन परमात्मा का दर्शन चाहिए। तो इस प्रकार से ताम विद्यत दुख कह संयोग वियोगम योग संजनितम। इस प्रकार से वो अब विचलित नहीं होगा, भले कोई उनके सामने सोना लेकर आए या चांदी लेकर आए या कोई जो है अलग अलग प्रकार के चाल प्रयास करे, उससे वो विचलित नहीं होगा। अप्सरा भी नाचे तो वो विचलित नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो जो है हर प्रकार के भौतिक दुख से परे होकर अपने आप में परम आनंद का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से जो है एक योगी जो है इसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। अब जो है आगे वर्णन आएगा कि किस प्रकार से जो है योग की जो है
और स्तरों को, ऊंचे स्तरों को वो प्राप्त करेगा। इसका वर्णन जो है 24 नंबर से 32 जो है श्लोक में किया जाता है। फिर आगे जो है ब्रह्मबुद्ध स्तर का वर्णन 27 से 30 में आता है, और जो असली योगी है उसका वर्णन 21 और 30 32 में आता है। उसे हम थोड़ा जो है देख लेते हैं। तो 24 और 26 में योग रुच जो है ऊंचा स्तर का जो है उसका वर्णन आता है। तो कहते हैं कि अष्टांग योगी जो है इस प्रकार से स निश्चले न युक्त व्यो योगी निर्वाण चेतसा संकल्प प्रभावन कामा त्यक्ता सर्वनशेषता मनसा इंद्रिया न ग्रामम विनियम समातमाम। इस प्रकार से धीरे धीरे क्रम से जो है उनका मन स्थिर रहता है और बुद्धि जो है पूरी तरह से जो है भगवान में लग जाता है। वो परम आनंद का अनुभव करता है और इस प्रकार से जो है वो सने सने जो है और उन्नत करता है और उन्नत करता है और आनंद का अनुभव करता है। परमात्मा का दर्शन करता है, परमात्मा मुस्कुराते थे तो वो भी खुश हो जाते हैं, और उनको खुश देखकर परमात्मा और मुस्कुराने लगते हैं, परमात्मा का और मुस्कुराते हुए देख के वो भी खुश होते हैं। इस प्रकार से आनंद अपने आप में जो है वो अनुभव करता रहता है। सने सने उपरामे द बुद्धया धृति गृहीतया आत्मा समस्तम मना कृत्वा ना कंचित किंचित अपि चितम। इस प्रकार से वो पूरा समाधि में चला जाता है, मन जो है परमात्मा में लग जाता है, अभी उसे संसार की कोई बात जो है विचलित कभी नहीं करेगा। और इस प्रकार से जो है योगी परम सिद्धि को प्राप्त करता है। और अगर थोड़ा विचलित भी हो जाता है तो कहते हैं भगवान यतो ही निश्चलति मनसा चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम यतात आत्मनि एव वसम्यात। मन थोड़ा भी विचलित होता है मन को फिर से उस स्थान पर लेके आओ, जैसे हम जपा करते हैं मन इधर उधर, फिर से मन को लेके आओ। यह अष्टांग योगी का वर्णन आ रहा है, इसलिए हम बात को आगे बढ़ा लेते हैं। प्रसन्न आत्मा मनस, इस प्रकार से मन को जो है बार 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 परमात्मा में लगाते लगाते जो है वो जो है परम सिद्धि को जरूर प्राप्त कर लेता है। प्रसन्न आत्मा मनस ही नाम योगी नाम सुखम उत्तमम उपयेति शांत रजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम। इस प्रकार से बार बार मन विचलित होता है, शुरू शुरू में वापस भगवान में लगाते 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 अब जो है परमात्मा में उनका मन लग जाता है। वो रजगुण तमगुण और सतोगुण से परे होकर पूरी तरह से जो है परमात्मा का दर्शन करके परम आनंद का अनुभव करता है और सारे कलमश से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार से जो है भगवान जो है अर्जुन को अष्टांग योग के अलग अलग विधियों को बताते हुए कहते हैं कि अष्टांग योग के जो सन्यासी योगी होते हैं परम सिद्धि में परम आनंद का अनुभव करते हैं। युंजन एवं सदात्मना योगी विगत कलमस सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम यतन्ति सुखम आश्नुते। अपार सुख को अनुभव करता है और अब जो है वो इतना आनंद का अनुभव करता है योगी जो है अब सबके अंदर जो है परमात्मा का दर्शन करने लग जाता है और परमात्मा भगवान में जो है सबका दर्शन करने लग जाता है। इस प्रकार से वे सब जगह भगवान का अनुभव करने लग जाते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मना सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेति योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। ऐसा व्यक्ति जो मेरा सब जगह पे दर्शन करता है, सब जगह पे दर्शन करता है, सब हर चीज में मेरा दर्शन करता है, वो व्यक्ति वो मुझसे कभी अलग नहीं होता है और मैं भी ऐसे भक्त से कभी अलग नहीं होता। एक बार हनुमान जी जो है एक भक्त के पास गए थे। वो भक्त के हाथ में एक डायरी था और वो डायरी लेकर नाच रहा था।
तो हनुमान ने बोला, क्या है डायरी, क्यों नाच रहे हो? बोला, इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जिसे, जो भगवान से प्यार करते हैं। अच्छा, डायरी इधर ला, इस डायरी में जरूर मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। तो हनुमान जी ने वो डायरी लिया, देखा पहला नाम, दूसरा, इतने सारे भक्तों का नाम आया, लास्ट तक हनुमान जी का नाम नहीं। हनुमान जी आप परेशान, भगवान मुझसे क्या अपराध हुआ, क्या गलती किया, क्या पाप किया, बताओ मेरा नाम, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं? तो भगवान बोले, क्या बात है, इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जो भगवान से प्यार करते, मेरा नाम नहीं है, मेरा अपराध गलती क्या है बताओ, मैं सुधार दूंगा। भगवान मुस्कुराने लगे, अच्छा ये डायरी में आपका नाम नहीं। तो भगवान ने अपने हृदय के स्थान से, अंदर से जो है चादर के अंदर से एक और डायरी निकाले और उस डायरी को देखा, देखा ये डायरी क्या है, ये डायरी में उन भक्तों का नाम है, जैसे उस डायरी में उन भक्तों का नाम जो भगवान से प्यार करते हैं, पर इन डायरी में उन भक्तों का नाम है जिसे भगवान प्यार करते हैं। तो खोला दर दर के, इसमें भी अगर नहीं रहूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। खोला तो उसमें सबसे पहला हनुमान का नाम। तो इस प्रकार से हनुमान जी हर जी जगह पे भगवान को दर्शन करते हैं, इसीलिए उस सभा में जो है सब लोग जो है हनुमान जी जो है राम जी को हर जगह पे दर्शन करते हैं। जहाँ राम है वहां पे हनुमान है, जहाँ हनुमान है वहां पे राम का दर्शन करते करते हनुमान जी जो है। तो इस प्रकार से वो भक्त जो भगवान को हर जगह हर स्थान में देखते हैं, वो कभी भगवान से अलग नहीं होते और भगवान भी उनसे कभी अलग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो है भक्तों का वर्णन कर रहे हैं और जो है ब्रह्मबुद्ध के स्तर पर जब आ जाते हैं वो भक्त, वो उनका वर्णन अब आ रहा है। सर्वभूत स्थितम जो माम भजति एकत्वम अस्तित सर्वत्र सर्वात्मनोपि सयोगी मई वर्तते। इस प्रकार से वो योगी जो है हर जगह पे भगवान का दर्शन करता है, परमात्मा का दर्शन करता है और भगवान में अपना मन को पूरा लगा देता है। हर परिस्थिति में, हर स्थान में और हर समय भगवान का दर्शन करता है और ये जो स्तर है उसे समाधि कहलाते हैं। ये अष्टांग योग है, अर्जुन अष्टांग योग किया है। आत्मोपाये न सर्वत्र समान पश्यति यो अर्जुन सुखं पायति वा दुःखं सा योगी परमो मतः। इस प्रकार से वो समाधि के स्तर पर आता है और वो सबसे बड़ा परम योगी बनता है, ना तो सुख से सुखी होता है ना दुख से दुखी होता है। और इस प्रकार से वो जो है अपने लिए नहीं औरों के हित के लिए भी कार्य करता है, वो खुद जो है भक्त बनता है, औरों को भक्त बनाता है। ये जो है सबसे बड़ा योगी है, जो केवल परमात्मा का दर्शन करता है वो तो योगी है, जो खुद भक्त बनकर भगवान का अनुभव करके औरों को भगवान का भक्त बनाने में लगता है वो परम योगी है। इस प्रकार से भगवान जो हिंट दे रहे हैं आपको, जो है अष्टांग योगी बन के पथ में जाकर लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आप जंगल में अकेले रहोगे, पर इससे भी बड़ा योगी बनना है तो आप प्रहलाद महाराज जैसे बनो कि शहर में रहो, अच्छा भक्ति करो और असुरों को भी भक्त बनाओ। तो ये बात भगवान फिर से जो है भगवद गीता के अंत में कहेंगे कि वो मेरा भक्त सबसे श्रेष्ठ है जो भगवद गीता का जो प्रचार औरों को कराता है और उनको भी भक्त बनाता है। या एकदम परमम गुह्यम मद भक्ते शोभिदाचे भक्ति मा परम कृता मामेदश सत्यम। तो इस प्रकार से अर्जुन को हिंट दे रहे हैं कि आप योगी नहीं परम योगी बनो। तो अर्जुन फिर भी देख लेता है और बोलता है कि ठीक है, इस प्रकार से योगी जो है अच्छी बात है, क्या मैं इस प्रकार का अष्टांग योगी बन पाऊंगा? तो वो सोचने लग जाता है। इस प्रकार से अर्जुन जो है सोच रहा है, इस प्रकार से मैं जंगल में अकेला रह पाऊंगा, इस प्रकार से मन को जो है स्थिर कर पाऊंगा। अब जो है अर्जुन
प्रश्न करने लग जाते हैं, हे कृष्ण क्या मन को पूरी तरह से काबू में करना जरूरी है अष्टांग योग में? अर्जुन जो है अब प्रश्न करने लग जाता है कि मैं ये कर पाऊंगा, नहीं नहीं मेरा मन तो चंचल है, मैं इस प्रकार का अभ्यास कर पाऊंगा, मुश्किल है। और जैसे ही इतना यहां तक भगवान कृष्ण ने कह दिया, अर्जुन जो है पूरी तरह से ठान लिया कि अष्टांग योग मैं कर नहीं पाऊंगा, और भगवान एकदम खुश हो गए, बोला कि अभी और ज्यादा भगवत गीता सुनाने की आवश्यकता नहीं है, अर्जुन अभी ट्रैक में आ गया है। अर्जुन जो है अभी अष्टांग योग यानी कि ज्ञान योग के मार्ग से जो है संन्यास लेना वो तो भूल गए पांचवें अध्याय में, अब जो है अष्टांग योग के माध्यम से संन्यास लेना वो भी भूल गए। फिर भी अर्जुन को प्रेरित करते हैं, पूछो पूछो क्या पूछना है, और अर्जुन कहने लग जाते हैं। अर्जुन वाच है, ये अष्टांग योग जो है बहुत 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 कठिन है, मैं कर नहीं पाऊंगा कृष्णा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन का इस हालत को देख के भगवान बोलते क्यों नहीं कर पाओगे, आपको तो जंगल जाना था ना, व्रत ये जो युद्ध भूमि को छोड़कर आप भीख मांगना चाहते थे ना जंगल में जाके। अर्जुन बोलते हैं नहीं कृष्ण नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो, चंचल ही मन कृष्ण। तो अर्जुन कहने लग जाते हैं, अर्जुन वाच यो माम योग त्वया प्रोक्त सम ये ना मधुसूदना ये तासम ना पश्यामि चंचलावत स्थितम स्थिरम। हे मधुसूदन, जिस योग के बारे में आप ये इस प्रकार का अष्टांग योग नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। आप कहते हो कि मन को विचलित नहीं होना चाहिए, मन को स्थिर रहना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप कहते हो कि जो है सुख के सुख में सुखी ना हो और दुख में दुखी ना हो, ये भी नहीं होगा। आप कहते हो कि दोस्त और मित्र, दोस्त के साथ प्रेम समभाव रखो, रिश्तेदार के साथ समभाव रखो, ये मैं कर सकता हूँ, पर दुर्योधन और दुशासन इनके साथ में समभाव रखू ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं युधिष्ठिर के साथ जो है मिल सकता हूं, उनके साथ रह सकता हूं, पर दुर्योधन के साथ मैं दूर दूर तक रहना भी नहीं चाहता हूं। ये समभाव मेरे अंदर कैसे आएगा, मैं कैसे इसे प्राप्त करूंगा, इस प्रकार का विवेक जो है मैं नहीं कर सकता हूं। अर्जुन क्यों नहीं कर सकता, वो कहते हैं कि मेरा मन जो है बड़ा चंचल है और इसे संग्रह करना, इसे बस में लाना बहुत मुश्किल है। हे अर्जुन क्यों मुश्किल है, कृष्ण कहते हैं क्यों समझते हैं मन को बस में लाना बड़ा मुश्किल है, मन तो रथ का जो है लगाम है और सारथी जो है बुद्धि है और आत्मा जो है रथ का मालिक बैठा हुआ है। बुद्धि से जो है आप जो है लगाम को जो है खींचो और इस प्रकार से जो है आप जो है इस प्रकार से जो है आप इस प्रकार जो है रथ को शरीर रूपी रथ को स्थिर करो, बुद्धि को तेज करो। समस्या क्या है अर्जुन, समस्या क्या है? तो अर्जुन जो है बोलते समस्या ही समस्या है। आप कहते हो कि बुद्धि को तेज करो और मन को वश में करो, पर यहाँ पर बुद्धि कमजोर है और मन जो है बहुत ही बलवान है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमत ही बलव दृढ़ तत्साहम निग्रहम मन्ये वायु रे वस दुष्करम। हे कृष्ण वायु की गति को रोकने के लिए कहो, पानी के जो है प्रवाह नदी में समुद्र में रोकने के लिए, मैं ऐसे धनुर्धर हूँ कि मैं जो है द्रोणाचार्य की कृपा से वो कर सकता हूँ, पर मन का जो है गति को रोकने के लिए कहो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो, चंचल ही मन कृष्ण, मन बड़ा चंचल है। इतना ही नहीं प्रमत्त भी है, चंचल का अर्थ कभी इधर कभी उधर, बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है। अच्छा प्रमत्त का तो जो नहीं करना है वो करेंगे और जो करना है वो नहीं करेंगे। प्रमत्त का तो होता है जैसे सिगरेट पीना, धूम्रपान करना शरीर के लिए जो है घातक है, बुद्धि समझ लिया पर मन चंचल है कि जानता है ये गलत है फिर भी वो गलत कार्य करता है। सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है पर फिर भी बुद्धि क्या
इतना कमजोर हो जाता है, मन इतना बलवान हो जाता है, वो सही कार्य को करता नहीं है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमत बलवत दृढ़ तस्य हम निग्रम मनिये वायु रेवस दुष्करम। मैं वायु की गति को रोक सकता हूं पर नहीं। ये मन जो है ऐसा 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 चंचल है जैसे कि एक बंदर पहले से ही चंचल होता है, और उस बंदर को आप शराब पिला दो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बंद ये मन कितना चंचल होता है, जैसे बंदर जो है एक शाखा से दूसरा शाखा, तीसरा शाखा से एक दूसरे पेड़ में, चौथे पेड़ में ऐसे घूमता रहता है, और ऐसे बंदर को आप शराब पिलाओ तो और वो कूदेगा और वो कूदेगा, और ऐसे शराब ऐसे ऐसे चंचल जो है बंदर को अगर बिच्छू काट लेगा वो तो फिर कितना चंचल हो जाएगा। उतना चंचल जो है हमारा मन है। भगवान कहते हैं ये मन को आप जो है ये जो मन है आप जो है बस में नहीं है। जैसे एक आदमी बीमार हो जाता है तो वो दवाई लेता है, पर कोरोना वायरस ऐसा होता है वो अपने आप को अपग्रेड कर लेता है तो दवाई भी काम करता नहीं है। तो इसी प्रकार से मन जो है बुद्धि अगर स्थिर हो, बुद्धि जो है तेज हो जाता है और मन को बस में करता है तो मन जो है कोरोना वायरस की तरह और अपग्रेड हो जाता है। बुद्धि को जो है कमजोर करके उसके बातें मानते नहीं है। इस मन को मैं किस प्रकार से स्थिर कर सकता हूँ कृष्ण, ताकि मैं अष्टांग योग कर सकूं, मैं जंगल में जाके भीख मांग सकूं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है कर सकते हो आप, देखिए अब बोलते हैं कि मन को स्थिर करने के लिए क्या करना होगा। श्री भगवान वाच जब भी श्री भगवान आते हैं तो ये समझ लेना चाहिए, बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। असंशया महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेना तु कौन्तेया वैराग्येन चग्रयते। हे महाबाहो, आप जो है युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को हराए हैं, आप यहाँ तक कि शिव जी को भी हराए, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसे मैं महान नहीं मानता हूं। मैं तब आपको महान मानूंगा सब दुश्मनों में जो है मन जो कि वश में नहीं है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। इस प्रकार का जो है मन रूपी दुश्मन को जब आप वश में करोगे तब मैं आपको महाबाहु करके स्वीकार करूंगा, तब मैं आपको महाबाहु करके असली महाबाहु करके स्वीकार करूंगा। ठीक है अर्जुन, आप चिंता मत करो, आप कुंती के पुत्र हो, हाँ आप कौन तरह हो, मेरी जो है आंटी का बुआ का आप पुत्र हो, इसलिए मैं आपको मदद करूंगा। आप निरुत्साहित मत हो जाओ और किसी प्रकार का शंका मत रखो। मैं आपको बताऊंगा एक विधि, वो विधि क्या है, अभ्यास के द्वारा मन को जो है आध्यात्मिक स्तर में लाओ, और जितने भी भोग के वस्तु है उससे दूर रहो, और भगवान में मन लगाने के लिए अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते करते हम जो है सिद्धि को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से भोग के वस्तु से अपने आप को दूर रखो और भगवान से संबंधित वस्तुओं के नजदीक जाते रहो। इस प्रकार से आप करोगे तो क्या होगा, मन स्थिर हो जाएगा। यहां तक भगवान मन स्थिर करने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं, पर अर्जुन ने अभी तय कर लिया ये जो है अष्टांग योग मेरे द्वारा नहीं हो पाएगा। अब जो है भगवान फिर भी कहते हैं कि मान लो कि बीमारी भी अगर बढ़ जाता है, अपग्रेड करता है, फिर भी वो डॉक्टर के पास जाकर दवाई बार बार लेता रहेगा और जिस प्रकार से डॉक्टर कहता है वैसे ही लेता रहेगा, तो जरूर जो है वो बीमारी के ऊपर, रोग के ऊपर जो है काबू पाएगा। इसी प्रकार से साधक को चाहिए भौतिक जो है लोभ आकर्षण से दूर रहे, और इस प्रकार से मन को विचलित करने वाले वस्तुओं से दूर रहो, तो आप जो है महाबाहु हो, अपने मन को वश में कर पाओगे, और ऐसा जब करोगे तो मैं आपको महाबाहु करके, असली महाबाहु करके स्वीकार करूंगा। अर्जुना ये अभ्यास से होगा और वैराग्य से होगा। अभ्यास
करो भगवान का भक्ति करने का, और जो है पाप से दूर रहने का लिए वैराग्य करो। ऐसा आप करोगे ये मन जो कि बहुत कठिन है वश में करना, हाँ उसे आप बड़े आसानी से जो है वश में कर पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं असंयात्मना योगो दुष्पूर दुष्प्राप इति मे मति, व्यवसाय आत्मा तु यता सज्जवाप तुम उपायता। इस प्रकार से जो है धीरे 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 मन को वश में किया जा सकता है। अब जो है यहां पर जो है मन को वश में करने का जो है महत्व बताया गया है, पर अर्जुन अभी ठान लिया कि अष्टांग योग के माध्यम मार्ग से वो कर नहीं पाएगा। फिर वो कहता है कि योगी जो होते हैं निष्काम कर्म योगी जो भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, मान लो कि वो अगर अपना सिद्धि को प्राप्त नहीं कर लिया तो उनका क्या गति होगा। अर्जुन अब कह रहे हैं कि मान लो कि संन्यास योग में तो वो सफलता प्राप्त नहीं करेगा, अब भक्ति योग में सफलता अगर प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, उसे भी अधूरा छोड़ दूंगा तो क्या होगा। तो अर्जुन का ये प्रश्न बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अर्जुन जो है पूरी तरह से ठान लिया कि अष्टांग योग तो करेगा नहीं, और भगवान बहुत प्रसन्न हो गए ये प्रश्न जब अर्जुन ने पूछा। अर्जुन प्रश्न करते हैं, अर्जुन वाच आयाति श्रद्धयोपेतो योग चलति मनसा आप्राप्य योग संसतिं काम कतिं कृष्ण गच्छति। अच्छा, भक्ति योग में अगर कोई लगा हुआ साधक भक्त है, आप भक्ति योग कर रहे हो ना, वो साधक भक्त अगर पूरी तरह से जो है योग में लगने का प्रयास कर रहा है, मान लो वो कपट से नहीं पर वो जो है पूरी तरह से अपने मन से भक्ति योग में नहीं लगता है, वो ठग नहीं है पर वो ऐसे चलता चलेगा करके जो है हल्का फुल्का भक्ति में लग जाता है, क्या उसका भक्ति करना क्या उसका अभ्यास निष्फल हो जाता है, क्योंकि वो पूरी हृदय से भक्ति नहीं किया है और इसीलिए त्याग उनके अंदर आया नहीं है, और कुछ समय के बाद उसका मन विचलित हो जाता है तो फिर उसका गति क्या होगा। वो भक्ति नया नव से क्या भक्ति नहीं है पर थोड़ा बहुत भक्ति किया है, और ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ लेता है तो उनका गंतव्य क्या होगा। हे कृष्ण आप कृपा करके बताइए। काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसका क्या होगा गति। कश्चिन्नो भाया भी भ्रष्ट चिन्ना ब्रह्म नाश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमुडा ब्रह्म पार्थि। तो इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न तो सुन रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं एक मिनट, वो निष्काम कर्म के मार्ग में को तो छोड़ दिया है, वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं करेगा, और क्योंकि वो योग भक्ति योग को पूरा नहीं किया इसलिए भगवत धाम को भी प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा भक्त जो है उसका गति क्या होगा, क्या वो बादल की तरह आकाश में लटकता रहेगा जो यहां से वहां वहां से यहां भटक रहता होगा, इस प्रकार से उसका गति होगा, ऐसा भयावह स्थिति होगा। ये मेरा संशय है कृष्णा, इस संशय को आप दूर करो, और इस संशय को आपके सिवा कोई और दूर नहीं करता, ना तो बृहस्पति कर सकता है ना तो व्यास मुनि कर सकता है।
कृष्ण आप ही ये संशय को दूर कर सकते हो। एता मे संशयम कृष्णा चेतुम अरस्य शेषता तद अन्या संशय यस्य चेता नाहि उपपद्यते। ये मेरा संशय है, किसी कृपा करके दूर करो, आपके सिवा इस संशय को हे कृष्ण दूर और कोई दूर नहीं कर पाएगा। कृष्ण बहुत मुस्कुराने लग जाते हैं क्योंकि अर्जुन जो है अब भक्ति योग के बारे में पूछ रहा है, वो तो जान गया अष्टांग योग उनके द्वारा होगा नहीं और ज्ञान योग के मार्ग से भी वो संन्यास कर नहीं पाएगा। अब भक्ति योग के मार्ग में अगर वो अधूरा रह जाएगा तो क्या होगा? अर्जुन तो ऐसा अधूरा भक्ति तो नहीं करेगा, भगवान जानते हैं, पर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि अगर वो भक्ति योग में लग जाए और उनके पीछे पीछे पूरा जो है प्रजा लग जाए भक्ति योग में और वो प्रजा जो है आधा अधूरा भक्ति कर ले, उनका गति क्या होगा? ठीक है मैं संन्यास लेने जंगल जाता हूँ, ये लोग भी मेरे पीछे पीछे दंड कमंडल लेके संन्यास लेने संन्यास कर ले जाना, घर का ना घाट का होगा आपने कहा, अभी मैं भक्ति योग में लग जाऊंगा और मेरे देखते देखते वो लोग भी भक्ति योग में लग जाएंगे और अगर उनका भक्ति पूरा नहीं हुआ तो भी ना वो लोग क्या हो गए, ना घर के ना घाट के होंगे। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा? तो कृष्ण बहुत ही खुश हो जाता है और उत्तर देते हैं, चिंता मत कर कृष्ण अर्जुन, चिंता मत कर, और कहते हैं कि श्री भगवान वाच। जब भी श्री भगवान वाच व्यास मुनि कहते हैं तो यानी कि क्या करना चाहिए, बड़े और ज्यादा सावधानी से हमें सुनना चाहिए। नाम विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत पश्य दुर्गतिं तत गच्छति। हे पार्थ, प्रीता के पुत्र, कुंती के पुत्र, ऐसा व्यक्ति जो है कभी पूरी तरह से जो है नाश नहीं होता है, वे जो है जो भक्ति के मार्ग में एक बार आए हैं, जो ना तो आध्यात्मिक जगत को पाए हैं पर वो भौतिक जगत में अगर रह भी जाता है, उसको जरूर लाभ प्राप्त होगा क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग है उसका कल्याण करेगा, उसका हित करेगा। इसलिए इस मार्ग में जो लग जाता है उनके लिए किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। ऐसा व्यक्ति आंख बंद करके भी चलता है तो भी अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेगा। ऐसा व्यक्ति अगर गिर भी लेता है तो तुरंत उसे उठाने के लिए भक्त लोग आ जाते हैं और वह आगे चल पड़ जाता है। इस प्रकार से कहते हुए भगवान आगे कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृतम लोकम उषित्वा शाश्वती समा सुचि नाम श्रीमता के योग भ्रष्ट अभिजायते। ऐसा योगी जो भक्ति योग में लगा और उसका भक्ति पूरा नहीं हुआ है, वो फिर से मनुष्य शरीर में जन्म लेगा और उसके पिछले जन्म में जो इच्छा रख के शरीर को त्यागा और जिस योग के बल से शरीर को त्यागा, उस इच्छा के अनुसार उसे एक शरीर मिलेगा। वो पहले पुण्य लोक में जाएगा, वहां पर जाकर भोग के वस्तुओं को देखेगा और उनके अंदर जो भी भोग करने की इच्छा है वो नष्ट हो जाता है और फिर से वो जन्म लेता है एक धनवान परिवार में, धनाढ्य परिवार में, और वहां पर उन्हें जो है
अपने जीविका चलाने के लिए मेहनत नहीं करना होता है, उसे सब कुछ प्राप्त है, वो धीरे धीरे अपने योग के बल से, पिछले जन्म के योग बल से तुरंत जो है वो भक्तों के संग में आके और तीव्रता से भक्ति करने लग जाएगा। और अगर उन्होंने ज्यादा भक्ति किया पर भगवत धाम को प्राप्त नहीं किया तो उनके लिए वो जो है देह त्यागने के बाद फिर से जो है एक महान भक्त के घर पर, एक ब्राह्मण के घर पे जन्म लेगा और फिर से जो है वो अपना भक्ति को तीव्रता से जन्म से करने लग जाता है। वो जन्म लेते ही उसे चरणामृत मिलता है और जन्म लेते ही उसे प्रसाद मिलता है, भक्तों का संग में रहते रहते आगे अपना भक्ति को पूरा कर लेता है। अथवा वायोगिनामेव कुल भवति धीमा धीमतम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद् इदृशम्। इस प्रकार का जन्म बहुत बहुत ही दुर्लभ होता है और इस बार जब वो जन्म लेता है वो पिछले जन्म में जो गलती किया है वो गलती नहीं करेगा और इतना तीव्र गति से भक्ति करेगा, इतना तीव्र गति से भक्ति करेगा और इस बार जो है वो अपने भक्ति को पूरा करके ही वो सिद्धि को प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। इसलिए इस भक्ति के मार्ग में अगर वो थोड़ा भी अगर जाता है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य प्रायतो महतो भयात्, वो बहुत बड़े खतरे से बच जाएगा। इस प्रकार से वो जो है इस जन्म में जो है पूर्व जन्म के जो किया हुआ भक्ति उसे भी प्राप्त करके और उसे और इस जीवन में मेहनत करके आगे निकल जाएगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देखिकम यताते च ततो भूय संसिद्धो गुरु नंदना। हे गुरु नंदन अर्जुन, उसका भक्ति जो है इस जो है भले वह पूरा नहीं हुआ था पिछले जन्म में पर इस जन्म में पूरा हो जाएगा। इसलिए आप भक्ति योग के मार्ग में लग जाओ और आपके देखते देखते और लोग भी भक्ति में लगेंगे। अगर वो भक्ति पूरा भी नहीं किया इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर पूरा करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग प्रभुपाद जी के दर्शन किए हैं वो इस जन्म में अगर भक्ति में आते हैं और भक्ति पूरा नहीं किया तो अगला जन्म नहीं तो अगला जन्म तीन जन्म में तो पूरा करके भगवत धाम को प्राप्त कर लाए, इतना जो है भक्ति में शक्ति है। तो ये भक्ति योग में जो है कोई नुकसान नहीं है। इसलिए अर्जुन आप भक्ति योग में लग जाओ और औरों को भक्ति योग में लगाओ। और इस प्रकार से उसका जो पुराना जो अभ्यास था भक्ति का उस अभ्यास को भी प्राप्त कर लेगा इस जन्म में और आगे बढ़ने लग जाएगा। इस प्रकार से भगवान जो है भक्ति योग का महिमा कर रहा है और पिछले जन्म का जो भक्ति जो है वो फिर से जागृत हो जाएगा, तुरंत उसका उनका मन जो है भगवान में लग जाएगा और इस बार वो जो है हल्का फुल्का नहीं लगा, इस बार तीव्रता से भक्ति को करेगा। पूर्व अभ्यास न तन्नैव हिर्यति हि अवसो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मेति वर्तते। इस प्रकार से पिछली बार जो गलती किया है वो गलती नहीं करेगा और वो जो है खूब जो है खूब प्रगति करेगा और अपने शक्ति को उसमें लगाकर जो है इस बार जो है अपने जीवन को सफल कर देता है, पूरा प्रयत्न कर लेता है, पूरा यत्न मेहनत कर लेता है। पर्यात्मनस्तु योगी संसुद किल विषय अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गति। इस प्रकार से पूरा शक्ति और बुद्धि और मन लगाकर वो व्यक्ति जो है अपना इस जन्म में सारे कलमश से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त करके भगवत धाम को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, आप ना तो ज्ञान योगी बनो, ना तो ध्यान योगी बनो, ना तो आप जो है किसी और प्रकार के योगी बनो। आप बनो तो बनो, क्या बनो,
भक्ति योगी बनो, क्योंकि भक्ति योगी में जो है अगर अधूरा भी हो गया तो कोई नुकसान नहीं है। इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, और ये भक्ति योग जैसा और कोई योग नहीं है, और योगी में सबसे श्रेष्ठ जो है भक्ति योगी है। तपस्वी भी उनके सामने जो है निम्न होते हैं, ज्ञान योगी भी निम्न होते हैं, और दूसरे प्रकार के जो सकाम कर्म में लग जाते हैं वो भी निम्न होते हैं। इसलिए अर्जुन आप योगी बनो, भक्ति योगी, निष्काम कर्म योगी बनो। तपस्वी भी अगर अगर वो अगर वो सिद्धि को प्राप्त भी कर लेता है तो वो ज्यादा से ज्यादा वाइक जो है ज्यादा से ज्यादा जो है तपलोक, फिर तपलोक से फिर ब्रह्मलोक, धीरे धीरे जो है उसका प्रगति जाएगा। पर अगर उनका तप योग भी सफल नहीं होगा तो पूरी तरह से वापस उनका क्या हुआ, जो तपस्या है वो नाश हो जाएगा, वो फिर से जो है जन साधारण मनुष्य जैसे लेगा। ज्ञानी भी जो है ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है तो निराकार ब्रह्म से उसे नीचे गिरना पड़ता है, पर भक्ति योगी असफल भी हो जाता है तो भगवत धाम को धीरे धीरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, दो जन्म में पूरा करके भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। इसलिए आप जो है योगी योग में सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है, उस योग में लग जाओ। तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिक कर्म भ्यो चधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुना। योगी जो है तपस्वी से बड़े होते हैं, ज्ञानी से बड़े होते हैं, और सकाम कर्म में लगे जो कर्मकांड में लगे हैं उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। अर्जुन हर परिस्थिति में, हर स्थान में, हर समय पे योगी बनो योगी, और योगी जो है हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में परम सुख का अनुभव करता है। और इस प्रकार से आप जो एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो, और इस मार्ग में अच्छे भक्त बनो और औरों को भक्त बनाते रहिए। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम से मे युक्तता माता। इस प्रकार से भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन आप भक्ति योग बनो, भक्ति योग, अगर आप भक्ति योग बनोगे तो आपके देखते देखते सब लोग जो है भक्ति के मार्ग में लग जाएंगे। और आपका जो प्रश्न था, अगर वो भक्ति योग आधा अधूरा रह जाएगा तो क्या, क्योंकि आपने कहा अगर मैं ज्ञान योगी बनूंगा और मेरे देखते देखते बाकी प्रजा भी बनेंगे, पर अगर वो जो है सिद्धि को नहीं प्राप्त करे तो घर का ना घाट का हो जाएंगे। हाँ, और अष्टांग योग का भी पालन करूं और मेरे देखते देखते अगर वो लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, ना घर का ना घाट का होगा, तो भक्ति योग में जो लगे वो भी अगर पूरा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वो भी तो घर का ना घाट का होगा तो होगा। पर भगवान कहते ठीक है, इस जन्म में वो पूरा नहीं किया, पर अगले जन्म में फिर से वो जो है या तो एक धनाढ्य व्यक्ति के घर में जन्म लेगा, ना या तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, और इस जन्म में वो अपना भक्ति को पूरा कर लेगा, अपने जीवन को जो है का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए अर्जुन आपको अगर कुछ करना है तो भक्ति का योग करो और श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो। और अर्जुन का मन में जो भी शंका था अभी तक वो सब भगवान ने निकाल दिया, और केवल भक्ति योग का वर्णन आएगा, क्योंकि अर्जुन के मन में था कि वो जो है ज्ञानी बनेगा उसे भी हटा दिया, और संन्यास लेना था वो भी, अष्टांग योग में जाके जंगल में जाके तपस्या करना था वो भी हटा दिया। अब अर्जुन को भगवान जो है भक्ति योग का द ग्रेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, इसलिए भक्ति योग का महिमा बताएंगे, वो हम कल से श्रवण करेंगे। आज अभी तक हमने श्रवण किया भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन को भक्ति योगी बनना चाहिए, और इस प्रकार से बाकी औरों को भी अपने आचरण से भक्ति योग में लगाना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जना सा प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते, भी है भक्ति योगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वाणी पे ही विराम देते हैं। और भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है,
और अर्जुन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। अभी उनके मन में कोई 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 संशय नहीं है, संशय आत्मा विनिशति, वो सब पूरा हो गया। अब एनीवे एनी क्वेश्चंस, वन क्वेश्चन, ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा।